नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या, घर में घुसकर घटना को दिया अंजाम। भाजपा नेता बिरजू तारम का नाम नक्सलियों की हिट लिस्ट में था। पिछले माह पुलिस जबलपुर से एक नक्सली को गिरफ्तार कांकेल लेकर आए थे। उनके तार मोहले मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले से जुड़ा था। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के औंधी क्षेत्र के नक्सल प्रभावित ग्राम सरखेड़ा में शुक्रवार को देर शाम गोली मारकर भाजपा नेता बिरजू राम तारम की हत्या कर दी गई। हथियारों से लैस कुछ लोगों ने घर में घुसकर घटना को अंजाम दिया। घटना के पीछे नक्सलियों के होने की बात कही जा रही है, हालांकि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी है। घटना स्थल पर अभी पुलिस नहीं पहुंची है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2009 में विधानसभा चुनाव के ठीक बाद नक्सलियों ने भाजपा प्रत्याशी रहे दरबार सिंह की निर्मम हत्या कर दी थी। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की शहादत हुई है। मोहला मानपुर चौकी में बिरजू तारम की जो हत्या हुई है, यह भी टारगेट किलिंग है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का डराने का प्रयास लगातार हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से अपने कार्यकर्ताओं के शहादत को जाया नहीं जाने देंगे और राज्य की कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे ताकि छत्तीसगढ़ में शांति हो, कानून व्यवस्था का राज हो। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।